कृषि कानून बनाए गए थे वो काले कानून थे और जबरन थोपा गया था किसानों पर ये तीनों कानून। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जो कानून बनते हैं वो पब्लिक इच्छा, जन इच्छा के अनुसार बनते हैं और उसके लिए सर्वे कराया जाता है, पूछा जाता है लोगों से कि इस तरह के कानून बनेंगे तो क्या होगा, लोगों का हित होगा कि नहीं, खास करके उन लोगों का जो लोग उस कानून से प्रभावित होंगे। ऐसा केंद्र सरकार ने नहीं किया। बीजेपी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक तरफा निर्णय लिया और तीन कानून बनाए जिसमें किसानों को हानि ही हानि होने की संभावना थी, पूर्ण संभावना थी। किसानों ने इस बात को समझा और आंदोलन कर दिया और अंततः अब झुके, जो अभिमान में चूर थी भाजपा पार्टी वो झुक गई और आज प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि तीनों कानूनों को रद्द करने जा रहे हैं, अगले पार्लियामेंट में उसको प्रक्रिया पूरा करेंगे पार्लियामेंट के अंतर्गत। ये स्वागत योग्य कदम है। और जहाँ तक आंदोलन की बात है तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी और मेरे जैसे कांग्रेसजन, हम किसानों के साथ रहेंगे और तब तक उनके साथ रहेंगे जब तक कि पार्लियामेंट द्वारा इन तीनों कानूनों को रद्द नहीं किया जाता है। और ये भी देखना होगा, तीन कानून तो रद्द होंगे लेकिन जो आशंका है किसानों को, देश के किसानों को, कि MSP को ख़त्म करने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है, उसको भी एड्रेस करना होगा। एक कानून बनाना, जरूरत के अनुसार एक कानून बनाना होगा कि MSP देश के हित में, देश के किसानों के हित में बनी रहेगी, कानूनी रूप इसको देना होगा। तो मैं समझता हूँ कि भाजपा इस ओर भी ध्यान देगी और जल्दी से जल्दी MSP को कानूनी रूप अस्थाई करने के लिए देगी। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share, and